अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, मैं अपने मम्मी पापा की फ़र्स्ट डॉटर हूँ, पहली बच्ची हूँ। तो उस वक्त जो गरीबी थी हमारी फैमिली में, बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ थे हम लोग कि उस वक्त एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट पापा मम्मी की स्टार्टिंग से इच्छा थी कि जो भी बच्चों को जहाँ भी पढ़ाएंगे वो टॉप लेवल की स्टडीज़ भी देंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ। तो जैसे मम्मी मेरी बीमा हॉस्पिटल में है, एज अ स्वीपर काम करती हैं, तो वहाँ वो देखती थी कि नर्स हो या डॉक्टर्स हो, वो जहाँ जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, तो मम्मी का हमेशा से एक सपना रहा कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाऊँ। तो सैलरी उस वक्त मात्र 700 रुपये हुआ करती थी, बट उसमें से भी फ़ीस हमारी 500 समथिंग रही। बट फिर भी मम्मी पापा ने उस चीज़ को अपने शौक कम करे, अपनी इच्छाओं को कम किया और मुझे अच्छी एजुकेशन दी। पर जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, फिर चार भाई बहन हैं अभी, तो चारों की पढ़ाई कराना आज के महंगाई के समय में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी कि हम मम्मी को अपनी ज्वेलरी गिरवे रखनी पड़ती थी, क्योंकि चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाना भी है और काम स्वीपर का ही करती हैं मम्मी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यही प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ी। और जहाँ बात आती है समाज की, तो मैं एक वाल्मीकि समाज की लड़की हूँ और वाल्मीकि समाज से आती हूँ, जहाँ हमारे समाज की पहचान सिर्फ और सिर्फ सफाई से ही की जाती है। और उस समाज में रहकर एजुकेशन में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो टफ रहा है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ मैं जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पर मुश्किल से 10% लड़कियाँ ही पढ़ाई कर पाती हैं, और वहाँ से पढ़ के निकलना तो ये तो सीरियसली बहुत ही अलग रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी कास्ट में लड़कियां कम पढ़ती हैं, तो लोगों की सोच भी वैसी बन गई है कि लड़कियों को पढ़ाना ही क्यों है, क्यों ना 18-19 साल की होते ही शादी कर दो, और ये सारी सोच, तो इन सब सोच का भी सामना मुझे करना पड़ा। देखिए, मैंने जैसा बताया कि एजुकेशन लेवल में हमारी समाज बहुत वीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे ही मेरा PhD कम्प्लीट करती हूँ, PhD करके मैं वापस अपने देश आती हूँ, सरकार ने मुझ पर इतना भरोसा जताया है, 1 करोड़ रुपये का अमाउंट मुझमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो मैं चाहूँगी कि सरकार के साथ रहकर मैं भी कुछ अच्छा एजुकेशन के लिए करूं, और ये मेरा ड्रीम है और मेरे पापा का भी ड्रीम है, क्योंकि मेरे पापा समाज सेवी हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं, पापा और मैं, कि हम भी कुछ ऐसा स्कूल बनवाएं या कॉलेजेस बनवाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड हो पाए, और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में या हम लोग फ्री ऑफ एजुकेशन देना चाहेंगे। सर, कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत बोलते हैं लोग, बात कह रहे तुम अपने बच्चों की शादी कब करोगी, इतने साल की हो गई है और अपने समाज में लड़के मिलते नहीं हैं, इसके लिए लड़का ऐसा कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ से लाओगे जो इसको विदेश में पहुँचा रहा हो पढ़ने के लिए, तो कहाँ से ये बच्ची का करोगे। तो मैंने बोला अभी इसको पढ़ने तो दो, आगे की सोच बाद में रखेंगे, हम देख लेंगे, उसके पापा करेंगे जो भी अच्छा लगेगा उनको, तो करेंगे ही सर। वो तो अभी तो हमारी पूरी इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल अच्छे इसमें पढ़े, PhD करके आए हमारी बच्ची। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, थोड़ा बहुत सहयोग माता पिता का रहा है, मेरे पिताजी 8% मौजूद है, वाइफ को भी संघर्ष, क्योंकि मेरे तीन पुत्री और एक पुत्र है, तो चारों को मैं उच्च शिक्षा देना चाहता था, तो कभी हमने ये तय नहीं किया कि हम रकमों को उतना महत्व नहीं दिया, जब जरूरत पड़ती थी हम रकमों को गिरवे रख देते थे, जब आवश्यकता पड़ती थी जब रकमों को बेच दिया करते थे। इससे पहले भी मेरी बेटी एक छोटी वाली, उसने भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की नीट, आपको समझ सकते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट है वो, नीट क्वालिफाई करके उसने मेडिकल की थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, उसके उपरांत एक थर्ड बिटिया है जो 12th पास आउट है, बेटा अभी 10th में है। तो सभी के लिए संघर्ष करने के लिए हमारे पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, इसके उपरांत हमको गाय बगा इस चीज़ की जो आवश्यकता पड़ती है कि कुछ लोगों से कर्ज भी लें और हमारी रकमें गिरवी रख दें और भेज भी दें। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है
गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस, इंडियन ऑयल की पेशकश।